रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के लिए पिज़्ज़ा फ्राइज की रेसिपी लेके आई हूँ। सबसे पहले चिकन को मैरिनेट कर लेंगे। मैंने 250 ग्राम चिकन ली है। इसके लिए इसमें मैं सबसे पहले डालूंगी लाल पिसी हुई मिर्चें 1 टीस्पून, लहसुन का पेस्ट है 1 टेबल स्पून, एक टीस्पून काली पिसी हुई मिर्चें डाल रही हूँ, 1 टीस्पून कुटा भुना जीरा है, 1 टीस्पून नमक ऐड करूंगी, 1 टीस्पून चाट मसाला और 1/2 टीस्पून गरम मसाला। ये तमाम चीजें इसमें जाएंगी। चार टेबल स्पून दही ऐड कर रही हूँ। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तमाम चीज़ों को मैंने मिक्स कर लिया है। मैं इसमें 1/2 लेमन जूस भी ऐड कर रही हूँ। लेमन जूस ऐड करने के बाद मिक्स करेंगे इसे, फिर इसे कुक करते हैं। फ्लेम को ऑन करके पैन में मैं 2 टेबलस्पून ऑयल डालूंगी। 2 टेबलस्पून ऑयल डालने के बाद मैरिनेट की हुई ये चिकन ऐड करेंगे इसमें। आठ से दस मिनट मैं इसे पकाऊंगी। आठ से दस मिनट कवर करके मैंने इसे कुक किया है। तैयार है चिकन, पानी ड्राई हो गया है चिकन का, अच्छी तरह इसे भून लिया है। एक बॉल में निकाल लेते हैं इसे। चिकन को बॉल में निकाल लिया है। पिज़्ज़ा फ्राइज बनाना शुरू करते हैं। फ्रेंच फ्राइज मैंने ली है। फ्रेंच फ्राइज की रेसिपी आपसे शेयर कर चुकी हूँ। सबसे पहले बॉल में फ्रेंच फ्राइज डालेंगे। इसके बाद पिज़्ज़ा सॉस, पिज़्ज़ा सॉस डालने के बाद चिकन को ऐड करेंगे। शिमला मिर्च क्यूब्स में कटी हुई है, ये शिमला मिर्च। टमाटर भी क्यूब्स में कटे हुए हैं। चेडर चीज ऐड करूंगी। उसके बाद फिर फ्राइज डालेंगे। दोबारा पिज़्ज़ा सॉस ऐड करेंगे। चिकन बहुत मज़ेदार ये पिज़्ज़ा फ्राइज बनते हैं, ज़रूर अफ्तार में बनाएं इसे। शिमला मिर्च थोड़ी और ऐड करूंगी। टमाटर डालने के बाद ऊपर से चेडर चीज डालेंगे। ऑलिव डाल रही हूँ ऊपर से, ब्लैक ऑलिव्स लिए हैं मैंने।
मैं इसे माइक्रोवेव में 1 मिनट के लिए बेक करूंगी।